I love Vicky Kaushal. I love you, Vicky. I love you. I love you. I love you. Tripti and Vicky, Tripti and Ami. मतलब it's a beautiful, beautiful trio, यार. So all of them are amazing. Tripti, Dimri जो है उनके लिए creative challenge होगा. Ami की इतनी कुछ खास नहीं लगी. Vicky and Ami, you know, when they were आमने सामने, that was something else. Of course, Tripti is the national crush as we've all been calling her. Amazing, super, Faru. ये Tripti का इतना बड़ा fan following है after Animal. तो वो लोग उसको एक अलग अवतार में देखना पसंद करेंगे. विकी भाई तो एकदम शानदार है, कोई जवाब नहीं. और भाभी टू के बारे में क्या बताओ? कैटरीना कैफ थी, वो थोड़ा सा मसालेदार भी लगा. बहुत शानदार, एकदम मजेदार, मसाला फुल ऑन बॉलीवुड. ये बैड न्यूज तो है, लेकिन मुझे लगता है इससे अच्छा गुड न्यूज कुछ नहीं होगा. सो हम आ चुके हैं बैड न्यूज के ट्रेलर लॉन्च पे, और हम अपने फिल्म क्रिटिक से पूछने वाले हैं कि उनको ये ट्रेलर कैसा लगा. सो लेट्स गो. So you saw Bad News trailer, how was it? Amazing, super, Faru, और मुझे लगता है कई दिनों बाद लोगों का हंस हंस के पेट फटने वाला है थिएटर में. Okay. Did you like the trio of Tripti, Vicky and Ami sir? Vicky Kaushal. Only Vicky Kaushal. I love Vicky Kaushal. I love you, Vicky. I love you. I love you. I love you. Yeah. Bad news is, मैं तो कहूँगा it is super good news because in today's times जहाँ पर इतना stress होता है, लोगों को टेंशन होता है, ट्रैफिक जैम, बारिश, ये वो, तो मैं समझता हूँ कि दिस इज़ गोइंग टू बी अ रियल स्ट्रेस बस्टर एंड रिलीफ, जैसे कि कॉमेडी शोज़ में होता है. और आमतौर पे लोगों को लगता है कि सिर्फ टीवी में कॉमेडी आ सकती है, लेकिन थिएटर में कॉमेडी देखना एक अलग बात होती है. एंड ये इतनी बढ़िया स्टारकास्ट है. विक्की हैज़ ऑलरेडी डन कॉमेडीज इन द पास्ट, मैं उनकी कॉमेडी देख चुका हूँ. तृप्ति डिमरी जो है उनके लिए क्रिएटिव चैलेंज होगा, बिकॉज पहले उन्होंने एनिमल जैसी फिल्में की है या और भी किए हैं उन्होंने OTT पे, बट फॉर हर इट विल बी अ वेरी बिग चैलेंज टू प्रूव हर कॉमेडी. एंड एमी वर्क इज वेरी गुड, जो ट्रेलर में नज़र आया दोनों की जो ब्रोमांस और जो केमिस्ट्री है वो बहुत ही ज़बरदस्त था. और इस फिल्म में एक USP है जो उन्होंने बताया कि बायोलॉजिकल कि टू फादर्स का एक कंबाइन फर्टिलाइजेशन होता है, तो क्या हो सकता है, तो मेडिकल फिनोमिनन जिसको कहते हैं, सेम सिचुएशन गुड न्यूज में था. आई लाइक द ट्रेलर वेरी मच बिकॉज विकी कौशल इज माई फेवरेट एंड ही इज इन द मूवी, दैट्स व्हाई. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट विकी कौशल, तो तीनों की केमिस्ट्री कैसी लगी आप? मतलब पहली बार इन लोग साथ में आए तो कुछ अलग, मतलब हटके लग रहा है मूवी, एकदम कॉमेडी है, अच्छा लग रहा है. मतलब विकी तृप्ति की जोड़ी बहुत शानदार, एकदम मजेदार, मसाला फुल ऑन बॉलीवुड, जैसे हम 90s के मूवीज में देखते थे, गोविंदा वाले मूवीज में, कि एक हीरोइन दो हीरो या दो हीरोइन एक हीरो, वो सेम टाइप है बट एक नए कॉन्सेप्ट में, तो ये अच्छा लगा. वंस इन अ बिलियन. ओके, सो राइट नाउ वी हैव आवर स्टनिंग एंकर नितिन सर. ओके सर, सो हाउ वाज द ट्रेलर? इट वाज गुड, इट वाज वेरी गुड, इट वाज एक्सीलेंट. ओके, टॉकिंग अबाउट एक्टर्स, सो लाइक हूज केमिस्ट्री डिड यू लाइक, तृप्ति एंड विकी और एमी और तृप्ति? विकी एंड एमी, यू नो व्हेन दे वर आमने सामने दैट वाज समथिंग एल्स. ऑफ कोर्स तृप्ति इज the national crush as we've all been calling her. Tripti and Vicky, Tripti and Ami, matlab it's a beautiful, beautiful trio yaar, so all of them are amazing. So you saw the trailer of Bad News, how was it? Mere ko bahut hi acha laga aur bahut dinon se wait kar raha tha, abhi announcement hua, mere ko pata chala ki Vicky Kaushal, Tripti Dimri aur Ami ek sath kaam kar rahe hain, और आनंद तिवारी ने इसको डायरेक्ट किया है, तो आनंद तिवारी सर को तो मैं गो गोवा गॉन सन सब लोग फॉलो कर रहे हैं, मेरा पूरा चाइल्डहुड उस पे गया, तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा ट्रेलर, बहुत बहुत बढ़िया था. एंड आई एम सो मच हैप्पी फॉर तृप्ति कि उसकी पहली फिल्म है लीड विक्की कौशल के साथ धर्मा के थ्रू. एंड कॉन्ग्रेट्स टू तृप्ति डिमरी, ऑल द बेस्ट, कीप गोइंग. इफ यू हैव नोटिस लाइक मूवी में बहुत सारे रेफरेंसेस थे, लाइक कैटरीना मैम का रेफरेंस था, मन मर्जिया का रेफरेंस था, तो वो ह्यूमर को इन्होंने जैसे कनेक्ट किया उस पर आपका क्या कहना है? कैटरीना कैफ इससे बात है, कैटरीना कैफ थी, वो थोड़ा सा मसालेदार भी लगा, और इमेजिन नहीं किया था किसी ने वो आ गया सामने, तो वो भी एक कॉमेडी वाला सीन है और अच्छा है. सर गुड न्यूज़ में वो कहानी अलग थी, उसमें स्पर्म एक्सचेंज हो जाते हैं, तो इसमें और पूरी कहानी अलग है, तो उस पर आपका क्या कहना है? हाँ, इसमें पूरी कहानी अलग है, तो लोगों को एक जिज्ञासा होगी, क्यूरियोसिटी, कि इसमें होता क्या है और हाउ रियलिस्टिक इट इज़ एंड कितना किस हद तक मतलब उन्होंने फैंटेसी क्रिएट की है, तो ये मतलब ये होगा. लेकिन सबसे हाईलाइट बात है कि लोगों को कॉमेडी देखने का मन कर रहा है, बिकॉज आजकल इतना एक्शन और वायलेंस का ओवरडोज हो गया, तो आई थिंक दिस विल बी समथिंग पीपल आर गोइंग टू एंजॉय, बिकॉज पीपल वॉन्ट टू फ्रीक आउट, यू नो दे वॉन्ट टू बी एंटरटेन.
सर तो ये तृप्ति का इतना बड़ा फैन फॉलोइंग है आफ्टर एनिमल, तो वो लोग उसको एक अलग अवतार में देखना पसंद करेंगे। मैम इसकी प्रीवियस मूवी की बात की जाए गुड न्यूज़ की, तो उसमें कैसा कि स्पर्म एक्सचेंज हो चुके थे, बट इसमें तो कहानी अलग है, इसमें एक बच्चे के दो बाप हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखते हैं अभी क्या है, मतलब थोड़ा कंसेप्ट एकदम थोड़ा कॉमिक वे में लिया है कि पहले हम कैसे एक जोक में लेते थे तेरे दो दो बाप एंड ऑल यू नो, एक मूवी में हुआ था, बट ये मूवी में लिटरली बताया गया है कि मतलब एक मतलब बच्चे के दो बाप है। तो अभी देखते क्या है, पूरे एकदम नए कास्ट है पूरा और स्टोरी भी एकदम नई है, तो देखते अभी क्या होता है। ट्रेलर वॉज क्वाइट गुड। उस तरह से तो मेरा भी ये था कि ये काल्पनिक है या साइंटिफिकली प्रूव है ये पता नहीं था, बट अभी जैसे डायरेक्टर ने वहाँ बताया लॉन्च के समय कि ऐसा उन्होंने एक आर्टिकल पढ़ा था और उसके बाद उन्होंने अपना स्टोरी लाइन आगे बढ़ाई, बट आई डोंट थिंक कि ऐसा कभी हुआ होगा, या मुझे तो नहीं पता, आपको पता है? नहीं, तो फिर वही है आंसर। तो सर मूवी में विकी सर की और बहुत सारी मूवीज़ की पास्ट रेफरेंस थी, जैसे कि मन मर्जिया में और बहुत सारी, और लाइक कैटरीना कैफ मैम की भी थी, तो उस पर आपका क्या कहना है? वो ह्यूमर को कैसे इन्होंने कनेक्ट किया, वो आपको कैसा लगा? सी मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस वक्त मैं बोलना चाहूँगा, जितने लोगों ने भी ट्रेलर देखा वो तालियां सीटियां जो थी ना वो सबसे कमाल थी, और बहुत दिनों बाद किसी ट्रेलर लॉन्च पे इतनी ऑर्गेनिक तालियां सीटियां बजी हैं। पीपल आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग दिस इन थिएटर्स, बिकॉज हम लोग क्या करने आते हैं, जब फिल्म देखने आते हैं हमको होता है यार एंटरटेनमेंट मिले, हम सब खुश होके जाएं। ऑफ कोर्स कुछ सीरियस मुद्दे पे होगी तो अलग बात है, बट हियर दोस रेफरेंसेज द पंचेज, एंड ऑफकोर्स आनंद तिवारी इससे पहले अच्छा काम कर चुके हैं, उन्होंने डायरेक्ट किया है, सो यस बहुत बहुत कमाल लग रहा है। ये तो पहली बार सुन रहे हैं, क्योंकि जब मूवी आएगी तभी ये रिवील हो पाएगा, सो आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग, बट हाँ इट्स साउंड्स गुड, लोग देखने जाएंगे, आई होप सब देखने जाएं, सुपर डुपर हिट हो। बाकी कुछ मैम गुड न्यूज़ मूवी की बात की जाए तो गुड न्यूज़ में स्पर्म एक्सचेंज हो जाते हैं, बट बैड न्यूज़ में तो कहानी अलग है, एक बच्चे के दो बाप हैं, तो उस पर आपको कैसा क्या क्या कहना? पर ये रिएक्शन है कि देखिए जेन्युइन तो ऐसा होता नहीं है, सबको पता है, तो ये मूवी देखने के बाद हमें पता चलेगा कि असली में एंटरटेनमेंट क्या होती है और कैसे ये चीज़ भी अगर कोई करता है तो ये कैसे होता है, तो ये चीज़ मज़ेदार होगी देखने में। और ये बैड न्यूज़ तो है, लेकिन मुझे लगता है इससे अच्छा गुड न्यूज़ कुछ नहीं होगा, जब मूवी हिट हो जाएगी और सुपर हिट हो जाएगी तो और भी ज़्यादा। मैम लाइक इसमें एमी सर तो लाइक डेब्यू करने वाले बॉलीवुड में, सो आर यू एक्साइटेड फॉर हिम? यस। तो तीनों की केमिस्ट्री कैसी लग रही है, विकी तृप्ति एंड एमी सर की? एमी अभी फर्स्ट टाइम उनको हम देख रहे हैं, पंजाबी मूवीज़ में उन्होंने काम किया है, बट हिंदी मूवी में मैं उनका मूवी फर्स्ट टाइम देखूंगा जब ये रिलीज़ होगा। विकी भाई तो एकदम शानदार है, कोई जवाब नहीं, और भाभी टू के बारे में क्या बताऊँ अभी भाभी का थोड़ा टीज़र देखा था एनिमल में, अभी पूरा अभी मूवी देखेंगे, अभी देखेंगे कि वो किस तरह से एक्टिंग करते हैं, अभी उनकी एक्टिंग देखने को मिलेगी एक्टिंग। तो सर गुड न्यूज़ में कैसे कि स्पर्म एक्सचेंज हो गए थे, बट बैड न्यूज़ में तो पूरी कहानी अलग है, इसमें एक बच्चे के दो बाप है, तो आपको ये कहानी कैसी लग रही है? बहुत सही लग रही है, बहुत अलग है, एंड सबसे बड़ा सवाल जो किसी ने शायद पूछा भी था कि क्या ऐसा हो सकता है, तो इट्स एक्चुअली अ मेडिकल थिंग जहाँ पे ये किसी के साथ हो सकता है, और ट्रेलर में अगर आप जाएंगे तो वो उस टर्म का आपके टर्म के बारे में आपको पता भी लगेगा, सो डू गूगल इट एंड यू विल गेट टू नो कि क्या रियलिटी है। ओके, तो तीनों की केमिस्ट्री कैसी लग रही है? मेरे को लाइक एमी की इतनी कुछ खास नहीं लगी, पर मेरे को तृप्ति और विकी कौशल जो हमारे बहुत अच्छे एक्टर है उनके बीच की जो केमिस्ट्री मेरे को बहुत ही अच्छी लगी। एंड लाइक अगर मूवी की बात की जाए तो गुड न्यूज़ इसका जो प्रीवियस पार्ट था उसमें स्पर्म एक्सचेंज हो चुके थे, और इसमें तो कहानी अलग है, इसमें तो ये है कि एक बच्चे के दो बाप है, उस पर आपका क्या कहना है? तो मेरे को ना लाइक गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ ना थोड़े सिमिलर लगे, उसमें लाइक दो हीरोज थे दो हीरोइंस थे तो सेम ही उनके एक्सचेंज हो गए, तो इसमें तो लाइक एक ही हीरोइन में दो स्पर्म चले गए, तो मेरे को ऐसा ही ज़रा इंटरकनेक्टेड लगा, ऐसा कुछ इतना खास नहीं लगा। पर ओवरऑल मूवी में जो सॉन्ग्स आने वाले और जो लोकेशन शूट्स किए हैं तो बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। यार स्टार कम है यार, जितने स्टार बनते हैं दिल से सब ले लो। आउट ऑफ फाइव दूंगा आउट ऑफ फाइव फोर फाइव में से 4.5 देना चाहूँगा। तो ट्रेलर को आउट ऑफ फाइव क्या रेट करोगे आप? मेरे लिए तो ट्रेलर को आउट ऑफ फाइव में तो फाइव है मेरे तरफ से। हाँ फाइव। देखो फॉर द ट्रेलर आई एम गिविंग 4 out of 5, और मुझे उम्मीद है बिकॉज कमिंग फ्रॉम धर्मा प्रोडक्शंस, तो मुझे उम्मीद है कि फ्रॉम आउट ऑफ 10 एटलीस्ट 7.5 to 8 मैं देना चाहूँगा इन एंटिसिपेशन एंड एक क्या कहते हैं प्री कॉन्फिडेंस कि दिस मूवी विल बी वेरी गुड, बिकॉज गुड न्यूज़ भी धर्मा प्रोडक्शन का था, तो मुझे ये कॉन्फिडेंस है इसमें। चलो थैंक यू सर। तो सर ट्रेलर को आउट ऑफ फाइव आप क्या रेट करो?
यार मैं खुद होस्ट कर रहा था लॉन्च को, तो वो शायद ऐसा लगेगा कि मैं जानबूझ के दे रहा हूँ, बट आई लव्ड द ट्रेलर इज व्हाट आई विल से। सो हमारी मीडिया को तो ये फिल्म का ट्रेलर बहुत ही ज्यादा पसंद आया, बट आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर आपने ये ट्रेलर देखा तो आपको कैसा लगा। सो लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू डू प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।